है, स्मेल कितनी आ रही है यार। हाँ यार, ये मेरी कितनी अच्छी जैकेट थी ये तो। ओ भाई, ये आपका फेवरेट, इसका हाथ देखना। अभी हम लोग सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं और उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं ऊपर वाले रूम के लिए। मैं बताती हूँ हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये भी ऊपर ही जाता है, इधर करना सारे काट लो। तो गाइस, सब्जियां वगैरह हमने सुबह ही बना के रख दी क्योंकि आज हमने करनी है पूरी सेटिंग। कपड़े हमने यहाँ से वहाँ करने हैं, गर्मियों के कपड़े। हम आप सोच रहे हो कि इतनी जल्दी हम गर्मियों के कपड़े क्यों निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ सेटिंग के लिए निकाल रहे हैं कि हम लोग सेटिंग पहले ही कर ले, करवा चौथ से पहले ही हम थोड़ी थोड़ी सेटिंग करने लग जाए। फिर दिवाली है, फिर दिवालियों की सफाइयाँ, फिर मतलब थोड़ा थोड़ा काम हम पहले से स्टार्ट कर देंगे ताकि तब तक हमारे को ज़्यादा एकदम से काम करना ना पड़े। चले ऊपर अम्मा, झाड़ू भी ले ही चलते हैं ना, क्योंकि अगर बेड में झाड़ू या इधर उधर मारना पड़ा कहीं तो जो नीचे से हम कपड़े लेकर आए हैं वो हमने इसमें डालने, ये वाले बेड में, क्योंकि अलमीरा में जो है स्पेस बहुत कम बची है मेरे कपड़ों की स्पेशली। ये है मेरी ड्रेसेस और ये भी मेरे कपड़े है, मेरी ड्रेसेस है, पूरा भरा पड़ा है गाइस। एंड पर्स यहाँ पे, यहाँ पे, एंड ये सेक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे भी पर्स है, सामान है मेरा थोड़ा बहुत। तो मेरे पास ना गाइस जगह रखने को है ही नहीं है कपड़े रखने के लिए। यही रीज़न है कि मैं अभी जो है सारी सेटिंग यहाँ पे कर रही हूँ कि बेड में मेरा सामान आ जाए। तो सुबह सुबह हमारे घर पे ये खिलारा डला हुआ है। आई थिंक गद्दों को जो है धूप लगेगी। ये देख सकते हो बेड बुड खाली कर दिया गया है। क्या हो रहा है धर्मपत्नी जी? ये हमने करनी थी सफाइयाँ। अच्छा। ठीक है, तो ये थोड़ा ना वहाँ पे स्लैब आ रही थी, रजाई वगैरह में ऐसे लगा हमें, से अंदर से पता नहीं ऐसे हो गया था थोड़ा। देखो बेड को देखो आप। हाँ, ये गीला गीला कैसे हो रखा है। हाँ, बेड भी खोलना वा, पहले वो सूख जाएंगे रजाइयाँ, फिर वो बाड़ेंगे। पूरी रजाइयाँ खराब, पिछले साल नहीं लेकर आए, जबकि हम कवर वगैरह सारे नए ले आए थे ना, एक बार भी यूज नहीं किए, तो डाल के आए, इतना नुकसान हो गया बता। तो सब चीजों को धूप लगा रहे हो भी? अब सारे ऊपर धूप में चढ़ाए हैं। तो गाइस, अगर आप लोग भी ये ऐसे बेड्स बनवा रहे हो जो के बिल्कुल जमीन के साथ, देखो बिल्कुल जमीन के साथ लगे होंगे, तो सजेशन है मत बनवाओ यार। एक्चुअली ये गाइस मेरे ख्याल से ये तब हुआ है, पाइपें नहीं फटी हमने जो चेंज करवाई है अभी दो दिन, उस वजह से सारे घर में सैलाब थी तो सारी दीवारों के कारण यहाँ नीचे जमीन में भी आ गई, उस वजह से ये हुआ है। तो सुबह सुबह उठते यार ये जो चीज देख के ना दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो गया है। पता नहीं धूप लगने के बाद वो चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, ठीक हो जाएंगी धूप लगने के बाद? चीजें तो बिल्कुल खराब हो गई है, वो हमने फेंक दी है। अच्छा। हाँ, कुछ ग्लाफ, नए ग्लाफ। हाँ, तो जो रजाइयों पे चढ़ाते हाँ, हैं। कुछ तो फेंक दिए, सड़ गए थे, गल गए थे, गंदे हो गए थे बहुत। हाँ। कुछ फेंक दिए। हाँ। कुछ पड़े हैं। ये गुड मॉर्निंग नहीं गाइस, बैड मॉर्निंग हुई है। एनीवेज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी जो है निकाला था कि इधर का तो नहीं कुछ खराब हुआ, लेकिन ये वाला पार्ट बिल्कुल ओके है, बस उधर वाले एरिया में ना हमारे थोड़े कपड़े खराब हो गए हैं। अभी फरनेल की गोलियां नहीं दी फेंक रही है इसमें। अभी अभी ना मम्मी ने मेरे को बताया है कि जो कपड़े खराब हुए हैं ना उसमें से सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे हैं, मतलब जितने भी सर्दियों के कपड़े थे ना वो सारे मेरे रखे हुए थे उस कॉर्नर में, और वो सारे के सारे खराब हो गए हैं, उस पर मतलब रंग चढ़ गया है, गीले हो गए थे ना वो यार, मतलब मेरे को सर्दियों के कपड़े सारे नए लेने पड़ेंगे। अभी खुशी भी है, मैं ऊपर आया हूँ ये देखने के लिए कि कौन से कपड़े खराब हुए हैं। अगर तो बिल्कुल नए वाले कपड़े खराब हुए हैं ना तो भाई दिल टूट जाएगा। ये पजामा मेरा फेवरेट है, ये सही पड़ा है, शुक्र है। ये जैकेट भी मेरी फेवरेट है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी जैकेट मेरी फेवरेट है, ये इसको पता नहीं क्या लग गया है, ये सारी फट गई है यार, ये देखो। ओ यार, ये मेरी जैकेट फेवरेट थी यार। नुकसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन नुकसान नुकसान होता है यार। जो फेवरेट जैकेट्स है ना उसमें से तो दो जैकेट्स मेरी बिल्कुल ओके हैं और मेरा पजामा भी ठीक है, लेकिन एक जैकेट जो ब्राउन कलर वाली मेरी फेवरेट है वो बिल्कुल ही खराब, फट भी गई है वो तो। अरे फट गई है, जेब से फटी पड़ी है वो तो, बाबू पहले की फटी हुई, फटेगी कैसे बेड में? अरे फटी हुई है, मैं पहले मनीषा के ब्याह थे पाई थी और डीजे वाले दिन
इतनी सोहनी जैकेट है उमरी, बादामी कलर दिख रहा है। हां समझ गई, उधर फटी हुई है वो, और ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या लगा हुआ है उस पे। हां वही तो लग रहा है, वो तो फिर जाएगा। किसी और चीज का दुख नहीं लगा उसका, ज्यादा लगा है। मैं मम्मा को रजत की फेवरेट चीज ही है वो, तो देखी भी नहीं आपने जो आपकी फेवरेट हमने पैक कर दी है बैग में, वो देखिए आप अंदर कौन सी वाली बैग के बीच आपके असली फेवरेट दिखाओ कहां है। ऊपर ये बैग सही सा पिया पूरी का बैग पर है, वो नहीं देखा मैंने। वो तो हमने ठीक कपड़े बाहर रखे हुए, ठीक कपड़े लड्डू जी, वो जो बिल्कुल बेकार है तो बैग भर गया। मैंने बैग तो देखा गाइस, बैग भी पड़ा था उसमें, सारे खराब हैं जो बैग में है, और जो ठीक ठीक हैं वो सूखने डाले हैं, बीचों बीच निकलन के खराब जेड़े पे, और ब्राउन जैकेट तो खराब ही, तो जेड़े बैग जे भरे हुए कपड़े तो बिल्कुल ही रद्दी है, सुटन वाली है वो तो बिल्कुल ही बेकार है। फिर इसका मतलब मेरे को सर्दियों में नए कपड़े लेने पड़ेंगे, कपड़े भी लेने हैं। वो तो वैसे भी लेने ही थे आपने, तभी हमने बोला कि अच्छा है हमें वैसे। पर यार मेरे फेवरेट कपड़े थे यार जो खराब हुए हैं यार। लड्डू मेरे को पता है ना सोनी, कोई बात नहीं मैं नहा लेता हूँ यार सबसे पहले। मैंने अपना मेमोरी कार्ड फॉर्मेट मार दिया ना, वैसे आप लोग अपनी लाइफ से वैसे दोस्त या वैसे लोग डिलीट मार दो जो आपके लिए हानिकारक है। गुड इवनिंग चाय के साथ, मेरे को दो ही चीज़ें पसंद है, एक चाय और एक खुद मैं। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी और मम्मा की, है ना, हम तो चाय बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए बस। धर्म पत्नी जी नाराज हो गए? नहीं यार, मेरी गाइस चार चीज़ें पसंद है मेरे, चाय, मैं, निधि, मम्मा। मनीषा अभी फ़ोन करके बोलेगी व्लॉग देखने के बाद कि मैं नहीं हूँ क्या, फिर मासी फ़ोन करेंगे, फिर उधर मामू नहीं फ़ोन करेंगे, फिर मेरे दोस्त फ़ोन करेंगे, फिर सब्सक्राइबर्स कमेंट करेंगे कि हम लोग नहीं है क्या। सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है प्यार भी। और गाइज आप लोगों को बताना था कि मैं फेसबुक पे भी रेगुलर हूँ, ओ भाई प्रमोशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे जाकर जल्दी से मेरे को फेसबुक पे फॉलो करो, वहाँ पे हम रोज अच्छा अच्छा कंटेंट डाला करेंगे। अभी फिलहाल मैंने वहाँ पे कुछ कंटेंट डाला नहीं है बिकॉज वहाँ पे देखने के लिए मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जल्दी से जाओ वहाँ पे मेरे को फॉलो करो। मैम आपका बिल हो गया 40,000 rupees फॉर इंटीग्रेशन प्रमोशन, कोई बात नहीं, जतिन तलवार से ले लेना, वो मेरा सब कुछ मैनेज करते हैं ना, उनके पास सब कुछ सारा। 40,000 की प्रमोशन आपने फ्री में करवा ली है, हैं? मेरे को बताया, कह रही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, ये प्रमोशन वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं, कर लो यार बच्ची है हमारी, कर लो। फेसबुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो निधि जो आजकल एक्टिव होने जा रही है फेसबुक पे भी, हाँ, तो वहाँ पे भी गाइस मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे भी मेरे कर लो। कितने 70 हो गए हैं, क्या बात है, 70 करना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए वहाँ पे। कोई भी काम हो ना, कोई भी काम हो, मतलब कोई भी दुनिया का काम हो, उसका बेस बनाने को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद दीवारें बनती जाती हैं, तो फिर काम चल पड़ता है, बस बेस गिर जाती है। हाँ तो बेस स्ट्रांग, बेस तभी बनता है, टाइम लेके क्यों बनता है बेस, बेस तभी टाइम लेके बनता है क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी आपका जो घर है वो ढह ना जाए, ठीक है, तो बेस पे पूरा ध्यान दो अपने काम के लिए। यस, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, देखो पता पूरी पीठ में दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है, उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई है, तो मेरा पूरा हाल टाइट है, मैं बहुत जल्दी सो जाऊंगी। मेरे भी बुरे हाल हैं यार। क्यों बाबू? हाँ मैं तो कोई काम करता ही नहीं, जैसे नहीं मतलब वैसे ही पूछ रही हूँ किस जगह दर्द है, किस सिर में दर्द है, स्क्रीन पे कितने टाइम बैठा हूँ मैं, 4-5 घंटे, दिमाग खराब हो जाता है यार। और गाइस ये रहे भाई अपने कपड़े सर्दियों के, उफ ये वाले तो फिर भी ठीक है, ये ठीक वाले हैं, अच्छा ये ठीक वाले हैं, पर एक बार फिर से सारे वॉश करने पड़ेंगे, खराब जो हुए हैं। ओ भाई गाइस पूरा बैग भरा पड़ा है मेरे, ये जो हैं जो बिल्कुल ही खराब हो गए हैं, ये यार ये वाली ना जैकेट का बहुत दुख है मेरे को, कैसे ये देखना क्या है, ये पजामा कौन सा, अच्छा हाँ ये भी पजामा, हाँ ये तो हो जाएगा ठीक है यार, हो जाएगा मम्मा ठीक है। हाँ यार ये मेरी कितनी अच्छी जैकेट थी, ये तो यही बात हो रही थी मम्मा को, ये जतिन फेवरेट जैकेट है, कर सकते लोग बता देते हैं, कुछ नहीं होता, ये भी कलर, हाय हाय इधर रहने दो मम्मी, ये भी नहीं रहने दो किसी ने, सही गल है ना, दे नहीं सकते ना गाइस किसी को, दे सकते हैं बिकॉज अगर पहनी नहीं जाएगी चीज, तो अगर किसी की कोई चीज देनी है तो ठीक ढंग की देंगे ना, क्योंकि ये फटे पड़े हैं बीच में बिल्कुल ही, हाँ ये ड्राई क्लीन हो जाएगा। ओ भाई ये आपका फेवरेट, इसका हाथ देखना, वन मोर, ओ एम जी, नहीं यार ये पता क्या, जो कपड़ा था ना नीचे बिछाया हुआ वो गल गया, ये देखो, ओए ओए ये कौन सी है, ये कौन से वाले हाई नेक, ओ ब्लैक वाला हाई नेक मेरा, आय हाय स्मेल कितनी आ रही है यार, बहुत
अगर अगर मम्मी आप लोग इसको ना खोलते बेड को फिर तो और बुरा हाल हो जाना था। ये अचानक से मम्मी ने आज बेड खोले, अचानक से कैसे ये डिसीजन बना के आज ही खोलते बेड? ऊपर शिफ्ट कर रहे थे हम नीचे वाले कपड़े सारे। अच्छा। तो आप वाले कपड़े ऊपर वाले बेड में शिफ्ट कर रहे थे जहाँ पे मैंने अपने किए। हाँ हाँ, इजी च चंगी तरह धो दो, वो ड्राई क्लीन कराना जो ब्लैक लॉन्ग कोट है। पहने वाले कपड़े सारे बच गए, आज जान वाले कपड़े सारे ही उड़ गए। सही बात है, ये मेरी व्हाइट कलर की जैकेट इतनी अच्छी थी यार, बच गया पर इसका बचाव हो गया। ये उतरेगा कलर पर नहीं, उखड़ ही गया यार। नहीं उखड़ गया, ये सरफेस उखड़ गया, इतनी अच्छी जैकेट है। अभी यार कितना का पहनना मैं करे कपड़े? गाइस पता नहीं लगता कोई भी चीज कब हो जाए। देखो इतनी देर से हम उसी बेड पे सो रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं लेकिन पता ही नहीं लगता। सो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।